अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स पुरानी किला मोड़ के पास। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। हसनपुरा नगर पंचायत में एमएच नगर थाना के सामने प्रभु जन कल्याण के परिसर में महिलाओं किशोरियों के स्वास्थ्य एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु गो फ्री नामक सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जदयू सिवान सांसद कविता सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर अनीता चौरसिया के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर सिवान सांसद कविता सिंह ने कहा कि शर्म और संकोच के चक्कर में महिलाएं आज भी बहुत कम संख्या के पैड का इस्तेमाल करती है, जबकि इस पैड के बिना माहवारी स्वच्छता प्रबंधन मुश्किल है। जागरूकता के अभाव में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर व बच्चेदानी का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गो फ्री सैनिटरी पैड के संचालक डॉक्टर अनीता चौरसिया ने बताया कि पोषण के साथ ही माहवारी स्वच्छता अति आवश्यक है, जिससे सही पैड के इस्तेमाल से ही दूर किया जा सकता है। भारत के तमाम ब्रांडेड कंपनियों की तुलना में गो फ्री सैनिटरी पैड 10 गुना बेहतर और सुरक्षित है। सिवान जिले में पहली कंपनी है जो महिलाओं तथा किशोरियों के हित में इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च की है। इससे यह अब उम्मीद लग रही है कि महिलाओं के जीवन को सुरक्षित व बचाया जा सकता है। गो फ्री सैनिटरी पैड हाई एफजा रबर व सेफ से बना एनियान चिप युक्त है, जिसमें पैकेट में 8 पीस है और जिसका मार्केट वैल्यू 30 रुपया रखा गया है। इस मौके पर डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर मधुमिता सिंह, डॉक्टर अमृता सिंह, नीलेश वर्मा, अमरेंद्र सिंह, जयशंकर गुप्ता, नंदलाल श्रीवास्तव, बमजी चौरसिया, अरविंद कुमार चौरसिया, संतोष कुमार, नवनीत कुमारी, प्रीति कुमारी, दीपक कुमार चौरसिया आदि सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पंकज जी को बहुत सारी शुभकामनाएं जो बधाइयाँ देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के हित के लिए और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता सिंह जी हैं, उन दोनों ने मिलकर इस माधुरी निदान केंद्र में महिलाओं के हित के लिए सैनिटरी नैपकिन का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, ताकि जो स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है बच्चियों पर, महिलाओं पर कुपोषित होती हैं और संक्रमण का शिकार होती हैं और बहुत गंभीर बीमारियों का शिकार होती हैं, उससे निजात के लिए आज यहाँ पे उद्यमी योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। और हमें यह आशा है कि आने वाले दिनों में सिवान लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में ऐसे कार्यक्रम होंगे और डॉक्टर पंकज जी और उनकी टीम सदा ही हम देखते आए हैं, 8 साल 10 साल हुए हमें, कि लोगों की सेवा में निस्वार्थ भाव से करते हैं, चाहे बच्चियों की देख बच्चे बच्चियों की देखभाल हो, शिशु लोग विशेषज्ञ हैं, और चाहे महिलाओं के देखभाल हो, ये बेहतर ढंग से करते हैं। और जहाँ तक समाज की सेवा भावना भी उनके अंदर बहुत सी है, कहीं भी कार्यक्रम होता है तो यह उपलब्ध रहते हैं और लोगों के हित की रक्षा करते हैं। देखिए, ये तो पहले से होते आया है, लेकिन ये धीरे बदलाव इस सृष्टि का नियम है। पहले जानकारियाँ नहीं होती थी, अभी सभी स्त्री पुरुष पढ़े लिखे हैं, स्त्रियाँ समझ रही हैं कि हमें क्या जरूरत है, पुरुष नहीं समझ रहे हैं,
कि उनको क्या जरूरत है, पहले नहीं समझ पाते थे लोग कि किससे संक्रमण फैलता है, क्या होता है। लेकिन आज उनको भी जानकारी है कि महिलाओं को क्या चाहिए, बच्चियों को क्या चाहिए। 12 वर्ष की उम्र होने के बाद सभी बच्चियों को, ऐसे माता पिता से मैं आग्रह करूंगी कि अपने बच्चियों को ये सुविधा प्रदान करें, उन्हें पैड ला कर दे, ताकि आगे चलकर उन्हें अनेकों जो बीमारियां होती है महिलाओं से संबंधित वो बीमारियां ना हो और वो बेहतर अपने आप को महसूस करें। पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे मौका मिला, मैंने सांसद साहिबा के उपस्थिति में और अजय सर की उपस्थिति में ये कार्य हुआ है, ये बहुत सराहनीय है। और इसका बेसिकली एक एम है कि वुमेन के बीच में, औरतों के बीच में अवेयरनेस फैलाना। शर्माने की बात नहीं, झिझकने की बात नहीं, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो सबके साथ हो रहा है और सबको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। अनिता मैम अपनीता है लेडीज लोगों को इसको अवेयर कराने के लिए, और गाँव गाँव में अब ये फैलेगा इसका प्रचार, तो महिलाएं और स्वस्थ होंगी। और जैसे सर ने कहा कि महिलाएं स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, और समाज स्वस्थ तो देश स्वस्थ। मेरा नाम कुमारी मधुमिता है, मैं पीटीएम पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। सलाम। आज हसनपुरा नगर पंचायत, नव सृजित नगर पंचायत में डॉक्टर पंकज जी और इनके परिवार, इनके पत्नी धर्मपत्नी और इनके पूरे टीम के द्वारा ये सैनिटरी पैड का फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। माननीय सांसद जी इसका शुभारंभ किए हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। जब देश में महिलाएं स्वस्थ नहीं रहें तो देश स्वस्थ नहीं हो सकता, और उसके नज़र से देखते हुए पंकज जी ने ये सराहनीय कार्य किया है। ये गांव एरिया है, विलेज एरिया है, अब नगर पंचायत बना है, यहाँ इस तरह के फैक्ट्री खोल करके और युवाओं को संदेश दिया है कि आप भी यहाँ भी बेकार नहीं हैं, आप चाहें तो यहाँ भी उद्यम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, आप में इच्छा शक्ति हो तो आप स्वयं उद्यमी बन सकते हैं। और सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या प्रधानमंत्री उद्यमी योजना हो, इन उद्यमी योजनाओं से लाभ लेकर के आप एक अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे रोजगार कर सकते हैं। रोजगार के भी नियत से ये संदेश है, और यहाँ के लोगों को आसानी से, सभी डॉक्टर सभी दुकानदार को आसानी से ये सैनिटरी पैड का उपलब्धता हो जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा। आज से ओपनिंग हो गया, सिवान के लोगों को, सिवान के बच्चियों को, सिवान को महिलाओं को ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और हमें लग रहा है कि जो बाहर से आ रहा था उसमें कॉस्ट ज़्यादा होता था, और यहाँ बन रहा है तो निश्चित रूप से उसका कॉस्ट कम पड़ेगा, और तो कॉस्ट का भी लोड नहीं रहेगा उन बच्चों और बच्चियों उन बच्चियों पर महिलाओं पर, आसानी से मिल भी जाएगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, तो बहुत सारी सिवान के लोगों को फायदा होगा। इसलिए मैं पंकज जी को, इनके पूरे परिवार को, इनके पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपकी सोच और आपके ये जो कार्य है, नेक कार्य है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है असमपुरा नगर पंचायत आपके जो है हॉस्पिटल में जो है सैनिटरी नैपकिन का उद्घाटन, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे माननीय सांसद साहिबा कविता सिंह जी, अजय भैया जी, ये लोग आए इसका उद्घाटन किए, और मैं अपने पूरे सिवान के जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, लोग आए हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोच था, एक बहुत बड़ा एक सपना था। मैम जब शहर से पढ़ के आई तो उनको लगा कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें जो हैं संक्रमण का शिकार हो रही हैं। आए दिन बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती थी यहाँ पर, लिगोरिया, बच्चेदानी का जल्द से जल्द ख़राब हो जाना। तो मैंने ढूंढा कारण कि पता नहीं कि कारण क्या है, मुझे पता चला कि यहाँ पे सैनिटरी सैनिटेशन की कमी है, महिलाओं में जागरूकता की कमी है। तो इस सोच के उद्देश्य से उन्होंने गोफ्री सैनिटरी पैड का प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत इन्होंने लोन लेके इस काम को अंजाम देने की कोशिश किया है जी। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।